जिंदाबाद। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक भौजी जंतर मंत्र में, और आज धरने के 322 दिन हो गए हैं। आज भी हमारे साथ पंजाब की टीम है, इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल तस्वीर सर। सत श्री अकाल सर। सुबह का मॉर्निंग न्यूज में क्या देना चाहते हो आप जनता को, वो दीजिए। मेरा तो डेली एक ही न्यूज है, बाकी तो न्यूज पूरा दिन चलते रहते हैं। जितने अपने देश भर के सबका सैनिक है उनको मेरी अपील और बेनती यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलो, अपने हकों के लिए लड़ो और जागो, क्योंकि घर बैठे बोलते हैं मेरे को काम है, ये है वो है। काम सभी को है, काम अगर बोले ना मेरे को काम, सभी जाते हैं। हम 4-5 बंदे पंजाब से आए, अमृतसर से, काम सभी को है। जैसे इधर जनकराज जी है, विजय है, नन तलवार है, गोपाल जी है, और 4-5 बंदे डेली इधर रहते हैं, उनको कौन सा काम नहीं है, काम सभी को है। मैं ये बोलता हूँ जो तो ठीक ठाक बंदा है, जैसे फिट फार है पूरा, वो दिल्ली पहुंचे जंतर मंत्र पे। कभी भी ये नहीं भी 2 दिन रहना, 4 दिन, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, बंगला साहब के दर्शन करो और बड़ी चीज़ें इधर घूमने घूमो, इधर हाजिरी लगाओ अपनी। उसके बाद जो घरों में बैठे हैं वो इधर तक ज़्यादा दूर नहीं आ सकते, वो आपके पास कोई छोटा मोटा एडिटेशन होता है कहीं तहसीलदार के पास, कहीं DC दफ्तर में जहाँ पास में को होती या कोई ग्राउ वगैरह आता, वहाँ ज़रूर पहुँचा करो, क्योंकि हर बंदे का ये हक है। हम बोलो, मैं खड़ा हूँ, ये मेरा जिला प्रधान है विजय होल्डर दिल्ली वाला, आप खड़े हो, 2 बंदे हैं हमारे पास सदस्य खड़े हैं, अपने हक हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारे पास बहुत दरवाजे खड़का लेंगे। पर जो हमारी वीर नारी है, विडो नारी है, जिसके लिए 26 जनवरी को मैं जो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोलेगा इतना मेडल कर दिया, इतना हमारा सिर गर्व से सिर ऊँचा हो गया, और उनको ये पूछो जो विधवा है, वीर नारी है, उनके घरों में जाके पूछो भी उनके चूल्हे ठीक ठाक चल रहे हैं कि बंद होने पे पड़े हैं। उनको पूछो, वीर नारी है जिनके कोई घर वाला 65 की लड़ाई में, 62 की, 71 की, कारगिल की, श्रीनगर में जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवारों की देखभाल करो, उनके परिवारों के लिए कौन है। मैं तो बहुत बार ये बोल चुका हूँ, कई जूनटों में रेजिंग डे पे जाते हैं, 1971 का शहीद मारा, कारगिल के शहीद है, उनके नाम पे सेना मेडल मिल गए, वीर चक्र मिल गया, सूर्य चक्र मिल गया, उनको तो ये उनको फैमिली को तो देखो, 26 जनवरी 15 अगस्त को सिलाई मशीन दे दिया, कशावल दे दिया, उसके उसका काम नहीं चलता। उनकी घर गृहस्थी जाके देखो, उनको उनके हमारा मोह रंजन जी चेन्नई वाले यही चीज देखते रहते हैं, पूरे मेला लगाते, पेंशन मेला, किसका बकाया आया, किसी का नहीं आया। अभी कल उधर मेरा अमृतसर का चेयरमैन ठाकर पाल रहा है, उसने आर्मड का मेला लगाया कल उधर अपने अमृतसर में। ये चीजों की काम करो और ज्यादा से ज्यादा जंतर मंत्र पर पहुंचो, और जो अफसर और राजनीतिक संस्था है उनसे बचो, क्योंकि तो उनसे बचना ही जरूरी है। इतनी मेरी आज का ये संदेशा है। विजय सर, राम राम। राम राम सर। सर आप बताइए, आज 7 तारीख है और उनकी जो है वो मीटिंग है, कुछ आदमी ने रखी हुई आज, और उन्होंने एक शर्त रखी है बीच में की जिस आदमी की 1000 जिस संस्था की वो है स्ट्रेंथ है वो हमें फोन करे तो उसको हम बुलाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। देखिए साहब, अगर संघर्ष करना है ना तो धैर्य और हिम्मत रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष जो है लंबे चलते हैं, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ मिल पाना भी संभव नहीं है। तो देखिए, मैं ये उनसे यही कहना चाहूँगा, संस्थाओं से, आप जहाँ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, सभी प्रो सैनिकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है, क्योंकि आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, उनसे पहले पहले सभी प्रो सैनिक अपनी एकता के साथ असली 1 रैंक 1 पेंशन और MSP को पाना चाहते हैं, और इसीलिए देश भर के सभी प्रो सैनिकों को कॉल दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस संगठन से जुड़ें और अपनी असली 1 रैंक 1 पेंशन, अपना हक प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश के हर कोने तक, हर पूर्व सैनिक तक ये अपडेट पहुंच सके। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।